नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो चलिए आज की कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत शहर में नगर पालिका ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ की व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। करीब 15 दिन से तेज धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। शहर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से शहरी एवं ग्रामीण लोगों को पानी पीने के लिए 20 रुपए की बोतल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने नगर पालिका सबलगढ़ शहर में पिछले कई वर्षों से 5 स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था होती रही है। इस बार नगर पालिका की लापरवाही के चलते नगर पालिका सबलगढ़ CMO ने अस्थाई प्याऊ लगाने की व्यवस्था नहीं की। सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हर साल गर्मी में नगर पालिका कई स्थानों पर प्याऊ लगाती है। शहर का तापमान करीब 45 डिग्री पर पहुंच गया है। शहर में आने वाले लोगों को पीने के पानी का मोल चुकाना पड़ता है। ग्रामीण लोगों का आवागमन शहर में लगातार बना हुआ है। बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों को मजबूरी में 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद कर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सबलगढ़ नगर पालिका इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है और हाथ पर हाथ रखकर कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। सबलगढ़ से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट।